उत्थानम संयमो दाक्ष्यम अप्रमादो। विदुर जी कहते हैं कि तीसरी चीज जिसके घर में है, जिसके जीवन में है, अप्रमाद, अर्थात जो कभी असावधान नहीं होता है, निरंतर सावधान रहता है, उस व्यक्ति की उन्नति होती है, उसका उत्थान होता है। क्योंकि थोड़ी सी असावधानी, छोटा सा क्रोध, एक पल की गुस्सा आपके लंबे भविष्य को बिगाड़ सकती है। इसलिए जो निरंतर सावधान रहता है वह व्यक्ति उत्थान करता है। अप्रमादो, जिसके पास आलस्य नहीं है, लापरवाही नहीं है, टाल मटोल नहीं है, वह व्यक्ति सफलता का द्वार खोलता है। चौथी चीज धृति। विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जिसके पास में धैर्य है, हिम्मत जिसकी कभी टूटती नहीं है, रोज नए साहस के साथ में कदम उठाता है, और जिसके पास में नई ऊर्जा, नई शक्ति, ताजी जिंदगी का अनुभव रोज होता है, जो कभी भी मुरझाता नहीं है, खिला हुआ रहता है, जैसे सूरज रोज निकलता है चमकता हुआ, ऐसे जिसकी जिंदगी में चमक है, वह व्यक्ति संघर्ष आने पर भी जिसको डर नहीं लगता है, समस्या आने पर जिसके अंदर भय नहीं होता है, सारा काम बिगड़ जाने पर भी जिसकी हिम्मत विखंडित नहीं होती है, जो नए साहस के साथ में भरा रहता है, धैर्य के साथ में काम करता है, वह कभी भी जिंदगी के महाभारत में हारता नहीं है, सदैव जीतता चला जाता है। इसलिए धैर्य रखना। पांचवी चीज अस्मृति। बड़ी महत्वपूर्ण चीज है अस्मृति। अस्मृति का अर्थ होता है कि मेमोरी का स्ट्रांग होना, याद शक्ति होना। ज्यादातर लोगों की याद शक्ति घटती जा रही है, बेटों के नाम भी भूल जाते हैं, अपनी उम्र भूल जाती है, बटन ऊपर नीचे लगा देते हैं। अगर बटन दूसरे छेद की दूसरे छेद में लग जाए तो समझ लेना तुम टेंशन में आ चुके हो। और भोजन खाने के बाद कोई पूछता आज क्या खाया और तुम बता न सको तो समझ लेना तुम टेंशन में ही चल रहे हो। ये तुम्हें सब लक्षण बता रहा हूं टेंशन के। और यदि तुम्हारी आंखें फूली फूली हैं, नीचे लगता हवा भरी है, तो तुम टेंशन में हो। यदि तुमसे कोई बात कोई पूछता है, चिड़चिड़ाहट आती है, तो तुम टेंशन में रहते हो। यदि 10 आदमी भी तुमसे 10 तरफ से पूछ रहे हैं ये काम वो काम वो काम, और सब तरफ तुम रुक करके मुक करके फटाफट मुस्करा कर बता देते हो, तो समझ लो टेंशन से मुक्त हो। अब तुम बहुत बड़ी बाजी मारोगे आगे चल करके। और यदि तुम सदैव प्रसन्न रहते हो, चेहरे पर मुस्कान है, दूसरों के लिए दया भाव है, अंदर में ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, तो तुम स्वस्थ भी रहोगे और विकास भी ज्यादा करोगे। दूसरे तुम्हारी निंदा करते हैं, इसकी भी परवाह तुमको नहीं है। दूसरे लोग तुमसे जलन करते हैं, इसका भी तुम्हें ख्याल नहीं है। दूसरे लोग तुम्हारी टांग खींच रहे हैं, इसकी तरफ भी तुम्हारा ध्यान नहीं है। टांग खींचने वाले भी टांग इसलिए खींच रहे हैं कि तुम्हारा ध्यान खींचना चाहते हैं, और तुम अगर उधर ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारी टांग नहीं खींच पाएंगे, इसलिए उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, अपना ध्यान अपने लक्ष्य में लगा दीजिए, सफलता मिलेगी। किसी की निंदा करने से मुरझाइए मत, ईर्ष्या करने से घबराइए मत। ईर्ष्या करने वाले लोग
तुमको संकेत दे रहे हैं कि तुम कुछ विशेष कर रहे हो, इसलिए हम तुमसे ईर्ष्या कर रहे हैं। यदि तुमसे कोई ईर्ष्या नहीं कर रहा है, इसका मतलब तुम डेड बॉडी हो चुके हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। और तुम कुछ कर रहे हो, कुछ विशेष कर रहे हो, इसलिए लोग थोड़ा जल रहे हैं। तो जलने वालों के लिए भी धन्यवाद देना कि तुम जल रहे हो और हम बढ़ रहे हैं। धन्यवाद है। एक शायर ने बहुत अच्छी शेर कहा है, सुना दो। उन दोस्तों से दुश्मन अच्छे, उन गुलों से खार अच्छे। बाबा, उन गुलों से खार अच्छे जो कि दामन थाम लेते हैं। गुल किसे कहते हैं? गुल फूल को कहते हैं। उस फूल और खार कहते हैं कांटे को। उन फूलों से कांटे अच्छे जो कि दामन थाम लेते हैं। दामन शरीर को कहते हैं, शरीर को रोक लेते हैं, थाम लेते हैं, स्टॉप कर देते हैं। कैसे? वह फूल क्या है जिसके पास निकलते ही तुम्हारे पैर रुक न जाए, आंखें देखने न लग जाए, तो फूल बेकार है। उस फूल से तो कांटे अच्छे, जिनके पड़ोस निकलो तो कांटे कपड़े में फंस जाते हैं, कपड़े कांटों में फंस जाते हैं, तो छुड़ाने में 5 मिनट लग जाते हैं। तो कम से कम उन फूलों से कांटे अच्छे कि 5 मिनट तक फंसा कर ही तो रोके रहे हमको। रोका तो इन्होंने, लेकिन ये फूल हमको रोक न सके, इनमें इतनी सुंदरता नहीं थी। तो बेचारा कहता है, उन गुलों से खार अच्छे जो कि दामन थाम लेते हैं, और उन दोस्तों से दुश्मन अच्छे जो कि जलकर भी तो नाम लेते हैं, जलकर भी तो नाम लेते हैं। वो दोस्त किस काम के जो कभी याद न करें, उनसे तो वे दुश्मन अच्छे जो रोज याद करके गाली तो देते हैं, याद तो हमें ही करते हैं। धन्य हो, धन्य हो जिसको किसी की ईर्ष्या भी प्रभावित न कर सके, किसी का क्रोध विचलित न कर सके, और किसी की निंदा जिसको डिस्टर्ब न कर सके। जिस व्यक्ति को अपमान के घूंट भी इधर उधर न डिगा सके, जिस व्यक्ति के अंदर अभिमान का जन्म न हो, लोभ लालच न आए, दूसरों की सेवा ही उसका लक्ष्य रहे, उस व्यक्ति को कभी रोक पाना असंभव ही है। वो व्यक्ति बहुत स्पीड से आगे जाएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता है। आप भी सेवा करना। एक चीज आज बताऊं, दिवाली और होली में जब घर की सफाई करो तो घर में कुछ फालतू सामान होता है। होली और दिवाली में घर की सफाई होती है, तो सफाई के समय आपको लगता है ये सामान कुछ फालतू है, जगह घेर रखा है, कहाँ रखूँ, कहाँ करूँ। तो आप अपने गांव के गरीब लोगों के बुला करके पति पत्नी दोनों दान कर देना कि ले जाओ, ये कुर्सी की एक टांग टूटी है, इसको दान दे दो। 3 टांग तो मिल गई गरीब को, एक टांग खुद लगा लेगा, उसका काम चल जाएगा। किसी कुर्सी का ऊपर का गद्दा फट गया, उसको दे दो, तो अपना बोरी डालकर भी बैठा रहेगा वो, दे दो। और खाट वाट थोड़ा बहुत लगे, फालतू है, अपना अच्छी खाट आ गई, बेड आ गया, उसको दे दो। रजाई पुरानी लगे, गंदी हो गई, दे दो। गरीब आदमी बेचारे, ओढ़ने को कुछ नहीं, पुरानी रजाई भी ठीक है, पुराना स्वेटर भी ठीक उनके लिए, पुराना कंबल भी ठीक है, पुराने कपड़े पैंट शर्ट सलवार कुर्ता साड़ी सब पुरानी निकालते जाओ, रिजेक्ट करते जाओ और नई सिलेक्ट करते जाओ, और पति के पैर छूते जाओ कि रोज नई साड़ी पहनाते जाओ, पुरानी दान करते जाओ। ऐसा काम करो, हाँ, पुरानी साड़ी भी दान दे दो, ज़्यादा फटी वटी मत दान करना, 2 महीने पहनो दान कर दो। जूते चप्पल भी दान दे दो, साइकिल वाइकिल हो दान दे दो, ज़्यादा पुरानी मोटरसाइकिल हो दान दे दो, कोई गरीब साधु हो तो उसी को दान दे दो कि ले जाओ। हाँ, देना चाहिए, देने से घर की जगह खाली हो जाएगी। ये सब कबाड़ा भर भर के मत रखो, सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा।
दिल्ली में एक आदमी की छत पर मैं परिक्रमा कर रहा था, तो वहाँ सोफा सेट पानी में भीग रहे थे, वर्षा का समय था। तो मैंने कहा ये सोफा सेट भीग रहे हैं, भगत जी को बुलाया, हमने कहा अंदर रखवा दो। बोले अंदर जगह नहीं। तो हमने कहा तो भीग के सड़ जाएंगे बरसात भर में, किसी गरीब को दे दो। बोले देने का दिल नहीं है। तो मैंने कहा तो अपनी पत्नी से कहे दो दे दे। बोले उसने दे दिया था पड़ोसी को, मैं फिर उठा कर लाया हूँ ऊपर रखा। इतना कंजूस लोग है, दे देना चाहिए। और देकर देखो, पुराना दे दोगे नया आ जाएगा। दान करो तो सही, देखो तो सही, फेंको तो सही। नाव में पानी भर रहा है, उलीचो तो सही, डूबने से नाव बच जाएगी। घर में धन बढ़ रहा है, इसको दान करो तो सही, तुम धन्य ना हो जाओ तो मुझसे कहना। और अपने अपने गांव में प्रोग्राम भी कराना चाहिए, जैसे यहां आज हमारे अशोक भैया ने प्रोग्राम करवाया। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी संगति साधु की कटे कोटिया, तुलसी संगति साधु की कटे कोटिया। गुरु वैद्य ज्योतिषी देव मित्र बड़रा, इन्हें भेंट बिन जो मिले होए न भूल निकास, इन्हें भेंट बिन जो मिले होए न भूल निकास। तुलसी पंचिन के पिए घटे न सरितानी, दान किए धन ना घटे कही गए संत कभी, दान किए धन ना घटे कही गए संत कबीर, गुरुवर कहे गए संत कबीर। आपका मंत्र सदैव खुश रहे, आपके हाथों से सेवा होती रहे। स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी भी जीवन जीते हैं, परमार्थ के लिए आपका जीवन हो, धर्मार्थ के लिए आपका जीवन हो, सेवार्थ के लिए आपका धन हो। आपकी माता पिता आपके स्वभाव से प्रसन्न रहे, उनकी सेवा भी मन लगाकर करना, भाइयों का सम्मान करना, अपनी धर्म पत्नी को भी खुश रखना, अपने पति का बहुत ख्याल रखना, उनको टेंशन मत देना, घर की व्यवस्था को सुंदर से सुंदर बनाना, नया मकान सुंदर मकान बनाना, गाड़ी भी सुंदर और कीमती लाना, सत्संग समागम भी बृहद स्तर पर करना, उसका खूब प्रचार प्रसार करना, 50 किलोमीटर के एरिया में चारों तरफ पोस्टर ही पोस्टर छा देना, होर्डिंग भी लगा देना, दूसरों का समागम हो अपनी तरफ से होर्डिंग लगाकर सौजन्य से लिख देना, अपना फोटो डाल देना, प्रचार प्रसार में दूसरों को मदद करना, टीवी चैनल में रोज प्रवचन सुनना, गम खा लेना, सह लेना, कोई कठोर बोल दे अपना अपमान मत समझना, जीवन की कीमत को समझना, अकेले बैठकर भी मुस्कराना, अकेले बैठकर भी हंसना, दूसरों को भी हंसाना, दूसरों को भी खुश रहने के लिए कुछ फार्मूले देते रहना, घर की साफ सफाई रखना,
बर्तनों को फ्रेश रखना, भोजन अति स्वादिष्ट बनाना, भले ही वो दाल चावल सब्जी ही हो, ठीक ढंग से पकाना, प्रेम से परोस कर सबको खिलाना, काम करने के बाद फिर से मुस्कराना और कहना और क्या करना है, हिम्मत न हारना, आलस्य को निकट मत आने देना, ये सुख की चाबियां हैं इनको संभाल कर रखना, नम्रता मधुरता सरलता सहनशीलता को बनाकर रखना, गुरु की भक्ति अखंड करना, गुरु दीक्षा भी लेना, नाम दान भी लेना, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु की बिना कल्याण नहीं होता है, मांस मछली अंडा नशा शराब का त्याग करना, कभी ऐसा वैसा खान पान न करना, सुख उन्हीं को मिलता है, दुख उन्हीं का दूर होता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवत् दुःखः। जिनके आहार विहार में युक्तता है और जिनके कर्म यथा योग्य हैं और जिनका शयन और जागरण विवेक पूर्वक होता है, उनका वह योग सिद्ध हो जाता है जिससे उनके दुख दूर हो जाते हैं, सुख भरपूर हो जाता है। इसलिए अपने आहार विहार की शुद्धि करना, मांस मछली अंडा मुर्गा कभी मत खाना, रामा रामा हरे हरे मुर्गी अंडा घरे घरे, इस फार्मूले को मिटा देना, हरे रामा हरे श्यामा दो दो अंडा सुबह शामा, ऐसी गतिविधि न होने पाए, संयम रहे, फल फ्रूट खाइए, शाम को दूध पीजिए, दिन में दूध मत पियो, सुबह दूध मत पियो, शाम को दूध एक गिलास से ज़्यादा मत पियो, एक चम्मच घी देसी गाय का रोज लीजिए, रोटी में लगा कर लीजिए या दाल को छौंक कर लीजिए, और 60 साल की उम्र के बाद घी लेना बंद कर दीजिए, दूध ले सकते हो पर मलाई लेना बंद कर दीजिए, और चावल कोशिश कीजिए 60 साल की उम्र के बाद कम खाइए, और जो भी खाइए प्रेम से खाइए, धीरे से खाइए, एक एक लम्हे का स्वाद लीजिए, इतनी स्पीड से मत खाओ कि आपको स्वाद का पता ही न चले, इतना धीरे धीरे मत खाओ कि ट्रेन भी छूट जाए आपकी, मध्यम चाल में भोजन कीजिए, प्रसन्न होकर भोजन कीजिए, भोजन खिलाने वालों को देख करके मुस्कराइए, क्या आनंद आ गया, अच्छा काम करने वाले को धन्यवाद मिलना ही चाहिए, और बड़ों को हमेशा आशीर्वाद देना चाहिए, छोटों को धन्यवाद देना चाहिए। हमारे देश से दो परंपराएं धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही हैं, बड़े लोगों ने आशीर्वाद देना बंद कर दिया है और छोटे लोगों ने बड़ों को धन्यवाद देना बंद कर दिया है, और जहाँ धन्यवाद और आशीर्वाद बंद हो जाता है तो वहाँ एक तीसरी परंपरा का जन्म होता है जिसका नाम है वाद विवाद, वहाँ वाद विवाद शुरू हो जाता है। इसलिए कृपया आपके घर में जो भी बड़े लोग हैं उनको धन्यवाद दीजिए, उनके पैर छुइए, और जो आपसे छोटे हैं उनको आप आशीर्वाद दीजिए और कहिए आगे बढ़ो, उन्नति करो। कभी आपके माता पिता आपको डांट दें, घुड़क दें, थप्पड़ मार दें, अहो भाग्य मानना कि ये थप्पड़ रोज रोज मिलने वाला नहीं है, केवल बचपन में मिलेगा, जवानी में तरसोगे कोई थप्पड़ नहीं मारेगा। और माता पिता का थप्पड़ जिसने खा लिया, गार्जियन का थप्पड़ खा लिया, जिसने अपने गुरु की डांट खा ली, उसको दुनिया में थप्पड़ लप्पड़ झप्पड़ नहीं खाना पड़ेगा, वो इतना सुधर जाएगा कि वो दुनिया में सम्मान पाएगा। बड़ों की डांट भी अमृत है। भगवान राम के पास भी अनुशासन था। 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके जब राम अयोध्या को आते हैं तो राम क्या कहते हैं, सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। क्या बात है, अयोध्या के लोग राम के साथी रीस भालू वानर सब चौंक गए कि राम क्या कह रहे हैं, सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई।
भगवान भी अनुशासन मानने वाले को कहते वही मेरा प्रेमी है, वही मेरा सखा है, वही मेरा दोस्त है, वही मेरा भक्त है जो मेरे अनुशासन को मानता है। याद रखना, गुरु के अनुशासन को जो शिष्य मानता है, गुरु उसके ऊपर कृपा बहुत करता है, और माता पिता के अनुशासन को जो मानता है वो माँ बाप के आशीर्वाद को प्राप्त करता है। मम अनुशासन मानई जोई, अनुशासन में रहना सीखो, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिपेंड आपका लाइफ होना चाहिए। आपका जीवन मंगल में हो ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। समीक्षा समारंभ हो। छठी बात, जो सोच विचार कर कार्य को आरंभ करता है उसका उत्थान होता है, सफलता मिलती है। ये छह बातें विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र को बताया। और कबीर साहब कहते हैं, जिसका तन स्थिर, मन स्थिर, वाणी स्थिर है, जो वाणी संभल कर बोलता है और जिसके चित्त में चंचलता नहीं है, जो स्वरूप स्थिति का अभ्यास करता है, उसकी जिंदगी का एक क्षण भी अगर ऐसा वो जी लेता है तो समझ लो कल्पों के समान जी लिया है, उसका जीवन सार्थक माना जाता है। सद्गुरु कबीर साहब के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को धन्यवाद।